आईआरसीटीसी का बेस किचन लॉकडाउन की वजह से खाना सप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ जरूरतमंदों की मदद में जुटा हुआ है। हर रोज करीब 5 से 10 हजार लोगों को खाना दिया जा रहा है। आपको दिखाते हैं मुंबई से जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। मुंबई के आईआरसीटीसी का ये बेस किचन है, यहीं से मुंबई के से चलने वाली जो प्रीमियम ट्रेनें थी, राजधानी या दुरंतो या जो ऐसी ट्रेनें हैं जहां खाना सप्लाई होता है, यहीं से जाता था। लेकिन लॉकडाउन के चलते जहां ट्रेनें बंद हैं वहां किचन भी बंद है, लेकिन लिमिटेड स्टाफ के चलते किचन आज खुला है कुछ खास कारणों से। आखिर क्यों खुला है और क्या हो रहा है किचन में, वो जानना बहुत जरूरी है। आईआरसीटीसी के अधिकारी जो हैं, जो कि इस किचन को अभी तक मैनेज कर रहे हैं, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि किचन में प्रवेश करने से पहले आपको कैप और बाकी सारे सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। यानी खाना को सुरक्षित रखने के लिए आप भी सुरक्षित अगर जाएं तो वही उसी हिसाब से जैसे मुझे कैप पहना गया। इसके बाद आईआरसीटीसी के अधिकारी, सर जो किचन आज खुला है वो किस लिए खुला है और क्या? ये किचन आज नहीं बल्कि 29 मार्च से चालू है, जबकि लॉकडाउन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, मगर ये बेस किचन हमने इसीलिए चालू रखा है ताकि हम इस बेस किचन से आईआरसीटीसी का जो सर्विसेज जो प्रीमियम ट्रेन्स के लिए चल रहा था उसके बदले अभी हम यहां से खाना बनाते हैं गरीब लोगों के लिए, उन मजदूर कैटेगरी लोगों के लिए जिनके अभी कोई रिसोर्स नहीं है लॉकडाउन के चलते। ये तैयार पोहा है जो कि यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। इन लोग आप लोग बड़े मेहनत से काम कर रहे होंगे आप तो इन दिनों सिचुएशन? यस सर। अपना कितने बजे सुबह आ जाते हैं और कितने बजे तक काम करते रहते हैं? सुबह 4:30 बजे से दिन 3 बजे तक काम करते हैं।